नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका। कुमाऊं मंडल के नवनियुक्त मंडल आयुक्त दीपक रावत ने विधिवत चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि बिजली पानी समेत तहसील ब्लॉक या अन्य विभागों और राज्य से मिलने वाली सेवाएं पब्लिक को मिलती रहें। दीपक रावत ने कमिश्नरी में कमिश्नर और डॉक्टर आरएस डोलिया उत्तराखंड प्रशासन एकेडमी के निदेशक का चार्ज संभाल लिया है। नैनीताल समिति कुमाऊं में नए पर्यटन ट्रेडिशनल विकसित किए जाएंगे। मंडल में गुड गवर्नेंस के साथ की कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। दीपक रावत पूर्व में नैनीताल के जिला अधिकारी के रूप में भी रह चुके हैं। नैनीताल की जनता उनसे काफ़ी रूबरू हैं, उन्हें काफ़ी पसंद भी करती है। बता दें कि दीपक रावत के नैनीताल पहुंचने पर नैना देवी मंदिर में उनके चाहने वालों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। साथ ही दीपक रावत ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र पर्यटन के लिए देश विदेश में जाना जाता है, जिसको देखते हुए उनके द्वारा कुमाऊं के सभी पर्यटन स्थलों पर इको फ्रेंडली पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही साथ मेरी पूरी टीम यही प्रयास करेगी कि हम सब प्रॉब्लम सॉल्व करें, जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं उन्हें लटकाएं नहीं, प्रैक्टिकली उनको सॉल्व करें। सरकार जितनी भी सुविधाएं दे रही है, सरकार जितनी वेलफेयर स्कीम चला रही है, सरकार की जितनी सर्विसेज हैं वो टाइमली मिलें, और उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको ध्यान से देखा जाए। कटिंग एज पे जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे, चाहे वो तहसील लेवल पे हों, सब डिविजन पे हों, या फॉर दैट मैटर ब्लॉक्स में हों, पुलिस में हों, वो सेंसिटिव हों, अप्रोचेबल हों। और जब अप्रोचेबल प्रशासन हो जाता है तो आधी समस्याएं तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। कई बार ये आता है कि एक्सेस नहीं है, तो एक्सेसिबल मैं चाहूँगा कि मेरे ऑफिसर्स रहें और प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजे न्यूज़। नमस्कार।